नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अलग और टेस्टी से मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चोकोपाई बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, तो आज हम बच्चों की फेवरेट चोकोपाई का यूज करके चोकोपाई कॉफी मिल्क शेक बना रहे हैं। बहुत ही यमी लगता है पीने में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एक मिक्सर जार लेंगे और ये है मेरे पास 2 पैकेट चोकोपाई। पैकेट को मैंने ओपन कर लिया है, तो पैकेट से निकाल करके हम इसको तोड़ तोड़ कर मिक्सर जार में डालेंगे। अब हमें डालना है 1 टेबल स्पून कॉफी और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर। आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम। आप चाहें तो चॉकलेट आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम से जो हमारा मिल्क शेक है ना, वो बहुत ही टेस्टी, थिक और क्रीमी बनेगा। तो अब इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं और बहुत ही क्रीमी सा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 कप एकदम ठंडा ठंडा दूध और साथ ही में 2 से 2.5 चम्मच चॉकलेट सिरप भी डाल देंगे इसमें, मिल्क शेक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए। तो अभी हम इसको वापस से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंड करने के बाद सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से और ये जो हमारा चोकोपाई कॉफी मिल्क शेक रेडी हुआ है, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। जो झाग होता है ना मिल्क शेक के ऊपर, उसको भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया एकदम झागदार हमारा मिल्क शेक बन करके रेडी हुआ है। तो मिल्क शेक को डेकोरेट करने के लिए, एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चोको पाई के छोटे छोटे पीसेस करके लिए हैं। तो इस तरीके से मिल्क शेक को चोको पाई के पीसेस से हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से चोको पाई कॉफी मिल्क शेक बना करके बच्चों को दीजिए। यकीनन आपके बच्चों को ये मिल्क शेक जरूर पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।